तो दोस्तों हम आपको दिखा चुके हैं गोरखपुर खारी नहीं है, तो अगर आप चढ़ रहे हैं तो ये ध्यान में जरूर रखिए, कब बंद हो जाए कब खुलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वरदान वरदान। तो साथियों स्वागत है, आज एक बार फिर से मैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे आपको दिखाऊंगा। तो इस समय हम राजे सुल्तानपुर टोल प्लाजा के पास पदमपुर बाजार के पास हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह सीधा लखनऊ चला जाएगा। अगर आपको इधर जाना है लखनऊ की तरफ तो लखनऊ चला जाएगा, और इधर आप अगर गोरखपुर से आ रहे हैं तो इधर आप एग्जिट कर सकते हैं। अब हम दिखाएंगे इसके आगे ले चल के अभी कार्य कहाँ कहाँ बाकी है, कहाँ कहाँ पूरा हो चुका है। तो दिलीप बिल्डिकान का कार्य आप देख सकते हैं कि पूरा हो चुका है, अब इसके आगे जाने के बाद ही पता चलेगा। तो इस समय हम गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे आपको दिखा रहे हैं। तो साथियों चलिए आपको दिखाते हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे। तो आज हम आपको एक बार फिर से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे दिखाएंगे, तो आइए आपको दिखाते हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे। तो दोस्तों गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर हम हैं, तो कमरिया घाट पर पहुंच चुके हैं। तो कमरिया घाट पुल क्रॉस करने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरा पानी लग चुका है, घाघरा नदी पूरी तरह भर चुकी है। तो देख सकते हैं कि नदी से हम लगभग 200 से लेकर 300 मीटर बाहर रोड पर। तो देख सकते हैं आप सामने बहाव, देखिए पानी का कितना तेज है, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग पानी का बहाव देखिए बहुत ही तेज है। और यह रहा घाघरा नदी का जो नया गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का पुल है, उसका कार्य पूरा हो चुका है। और यहाँ देखिए यह घाघरा नदी है, तो आप लोग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर पानी बढ़ा है। तो चार दिन में घाघरा नदी का,
और यहाँ देखिए जो रोड के किनारे मिट्टी को रखा गया है, जहाँ कटान हो रहा है वहाँ पर इसे ले जाकर रखा जा रहा है ताकि रोड बह ना जाए, न कटे कहीं, कहीं रिसाव न ले। तो एक बेहतरीन जर्नी के साथ आप हमारा देख सकते हैं कि हम इस समय घाघरा नदी के पास, कमरिया घाट के पास हैं। दोस्तों देखिए यह खेत है, पूरा डूब चुका है और घाघरा नदी काफ़ी मुझसे 200 से लेकर 300 मीटर दूरी पर है और वह पुराना वाला पुल है। तो देख सकते हैं कि पुराने वाले पुल पर भी पानी अब सट रहा है। तो उस बगल अम्बेडकर नगर है और इस समय हम गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे से समझे गोरखपुर ज़िले में आ गए। तो यह खेत देखिए, वहाँ देखिए मकान जो बने थे सब डूब चुके हैं पानी से। यही कारण है कि कमरिया घाट से लेकर गोरखपुर के बीच में काफ़ी समय भी लगा, कारण रहा क्योंकि देखिए यह RCC पूरा हुआ है, RCC नहीं रहता तो यह अभी कटकर उसी में बह जाता, तो काफ़ी पानी बढ़ जाने के कारण आप देख सकते हैं कि शायद काम भी बंद ही होगा, क्योंकि जब मिट्टी ही नहीं मिलेगी तो काम कहाँ से होगा, बाकी कार्य जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का बचा हुआ है। तो आप लोग देखिए यह पूरा बाढ़ से डूबा हुआ है। साथियों हम जैसे ही बेलघाट के पास सब पहुंचने वाले हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि जब तक रोड खाली है तब तक रील का भी आनंद लोग बनाने का ले रहे हैं। तो इस समय हम गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे आपको दिखा रहे हैं। तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे सलारपुर से शुरू होकर जैतपुर में जाकर समाप्त हो रहा है। तो नीचे से देख सकते हैं कि सर्विस रोड से भी कुछ कार इस रोड का चल रहा है बरसात के सीज़न में भी। तो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। Thank you.
तो दोस्तों इस समय हम कुआनो नदी पर पहुंच चुके हैं। तो कुआनो नदी के ऊपर से भी यह गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे निकली है। तो इस समय गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से हम आपको दिखा रहे हैं और सामने सर्विस रोड भी बन गया है। अब बस कुछ दिनों का इंतज़ार है, यह रोड जल्द ही खुल सकता है क्योंकि सारे काम इधर जो लाइट के पोल वोल लगाने वाले थे वह बाकी थे वह पूरा हो चुके हैं। तो लाइट के पोल भी पूरी तरह लग चुके हैं। तो आपको हम दिखा रहे हैं कुआनो नदी, देखिए कितनी साफ पानी लग रहा है, देखने से चमक रहा है एकदम। पहला ऐसा नदी देखने को मिल रहा है, इतना खर न कतवार एकदम साफ, देखिए पानी कितना अच्छा लग रहा है देखने से। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए क्योंकि यह पानी देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने से। और पानी देखिए दोस्तों कितना साफ है इस नदी का, काश हर नदी का पानी इसी तरह रहता तो बहुत अच्छा लगता देखने में। देखिए कुआनो नदी है, तो दोस्तों इस समय हम सिकरीगंज पहुंच चुके हैं। तो सिकरीगंज में देख सकते हैं कि सर्विस रोड का कार्य जो था वह पूरा हो गया और इसके साथ जो इंटरचेंजिंग का कार्य हो रहा है टोल प्लाजा का, यहां पर देख सकते हैं कि दोनों तरफ डिवाइडर के बीच में रोड बनाने का कार्य प्रगति पर है। अगर मौसम सही रहा तो इसी तरह 10 दिन 15 दिन में यह टोल प्लाजा भी तैयार हो सकता है। और उधर कुछ कार्य बाकी भी हैं, सामने देखिए अभी डिवाइडर लगाना, लगभग देखने से लग रहा है कि अक्टूबर लास्ट तक यह कार्य पूरा भी हो सकता है। तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का शेष कार्य जो बचा है वह टोल प्लाजा का ही बचा है। और बाकी देख सकते हैं कि गाड़ियों का आवागमन अब शुरू हो चुका है, तो आप गाड़ी से आ जा सकते हैं। अगर आप पतरौलिया से सीधे गोरखपुर जाना चाहते हैं तो डिवाइडर हटा दिया गया है, मैं आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि फोर व्हीलर वाहन भी अब फर्राटा भर रहे हैं धीरे धीरे। तो इस समय हम सिकरीगंज के टोल प्लाजा पर हैं। तो यह सीधे चला जाएगा बढ़हालगंज की तरफ, गोला बढ़हालगंज की तरफ, और यह सीधे चला जाएगा गोरखपुर। तो इस समय हम गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे आपको दिखा रहे हैं। और ये रहा सिकरीगंज का टोल प्लाजा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फोर व्हीलर गाड़ियाँ आ और जा रही हैं। तो समझ लीजिए आप अगर अतरौलिया से सीधे गोरखपुर इस रोड से जाना चाह रहे हैं तो ज़रूर जाइए, लेकिन कब भरोसा कोई नहीं है कि कब यह बंद भी हो सकता है डिवाइडर लगाकर। लेकिन वर्तमान समय में यह रोड चल रहा है। तो यहाँ से गोरखपुर की दूरी की बात की जाए, जहाँ पर यह एक्सप्रेसवे ख़त्म हो रहा है वहाँ तक यहाँ से 28 किलोमीटर की अभी दूरी है। और जैसे ही आप गोरखपुर शहर में जाएंगे तो वहाँ से 12 किलोमीटर के आसपास गोरखपुर की दूरी है। तो हमें अपने घर से आने में जो समय लगा लगभग 1 से 1.5 घंटा लगा। तो आप देख सकते हैं कि फोर व्हीलर गाड़ियों का आवागमन अब शुरू हो चुका है इस रोड पर, और सामने टोल प्लाजा का भी कार्य प्रगति पर है। तो जल्द ही वह पूरा भी किया जाएगा। और इसके साथ हम यहीं से वीडियो को भी अपना समाप्त करने वाले हैं। और देखिए आप लोग, गाड़ियों का आवागमन पूरी तरह शुरू है। तो आप भी अगर गोरखपुर जाना चाह रहे हैं तो जा सकते हैं। देख सकते हैं कि UP 53 की गाड़ी भी जा रही है। तो जल्द ही यह कामना हम करते हैं कि जल्द ही इस रोड का उद्घाटन हो। तो जैसे यह रोड बन जाएगा, खास तौर अम्बेडकर नगर आजमगढ़ वासियों के लिए और यहाँ से गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए एक बेहतरीन मार्ग यह होगा, सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जुड़ा हुआ।
दोस्तों हम आपको दिखा चुके हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। तो आप लोगों ने देख लिया कि फोर व्हीलर जो गाड़ी थे उसका आवागमन अब हो चुका है और सिकरीगंज से चढ़ और उतर भी रहे हैं। तो यहाँ पर जो सर्विस रोड का कार्य था वह पूरा कर लिया गया। इसके साथ मेरे पीछे देख सकते हैं कि टोल प्लाजा का आखिरी चरण का कार्य चल रहा है। तो रोड बनाने का भी कार्य पूरा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि फोर व्हीलर भी गाड़ी अब इस पर चल रही है। कृपया यह ध्यान लगा कर चलें, कब बंद हो जाए कब खोले इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन वर्तमान समय में जो डिवाइडर कंवरिया घाट के पास लगा था आप लोग देख ही लिए हैं, वो हट चुका है। तो इस पर आप गोरखपुर अतरौलिया से भी जा सकते हैं। तो इसके आगे अतरौलिया के बता नहीं सकते हैं कि डिवाइडर से बंद है या खुला, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो अगर आप चल रहे हैं तो यह ध्यान में ज़रूर रखिए, कब बंद हो जाए कब खुलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है।